गुरु रूप गुरु प्यारी सात संगत जीओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारियो महाराज सच्चे पातशाह ने बहुत ही अपार बख्शिश की है जो अज आप सारा परिवार सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की शरण में एकत्र होए हैं। जिस लोग में साड़ा ये मन खेलता है, इस लोग का जो मुखी है वो काल है, उसनु माया भी कहिंदे। उसने इत्थे राज करन वास्ते आपदे पंज सरदार रखे ने। उन्हां दा ये कम है कि जो ही साड़ा मन इस देश में खेलन वास्ते आवे, इन्होंने उसनु भरम विच पाउणा। इस लोक दे मालक बनाउणा कि शरीर जिहड़ा तुहाडा ये देश तुहाडा। जदों गुरु प्यारे शरीर नूं असीं आपदा समझ लैंदे, उत्थों जिहड़ी दुविधा है शुरू हो जांदी है, जिस नूं महाराज गुरबाणी में समझाउंदे कि इह शरीर सब मूल है माया, दूजे पाए भरम पलाया। लेकिन हुण गुरमुख प्यारियो जदों असीं सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शरण में आउणे, इह उहनां गुरमुखां की बाणी है जिन्हां नूं लोक ते परलोक की सोझी। उह फिर सानूं समझाउंदे ने भी पुत कई युग लग गए तुहानू इस मान सजामे तक पहुंचन दे लई, देखो किते समा फिर न हथों निकल जाए। इस करके महाराज सानू गुरबाणी में समझाउंदे कि फिरदे फिरदे कई जूनां दे विचों फिर असीं इत्थों तक पहुंचे, फिर इह मान सजामे दी वारी आई। इस करके 84 लाख जून दे विचों सब तो वध ज्ञान है, 184 जून उपाई मानस को प्रभ दी वड्याई। तुसी हुण किते फिर लास्ट वाले डंडे तो वापस ना चले जायो। इस करके गुरु प्यारे आओ अज जो महाराज सच्चे पातशाह ने आपां नूं हुकम बख्शिश कीता है, तनासरी महला पंजवां दीन दर्द निवार ठाकर राखे जन की आप, तरन तारन हर निद दुख न सके प्याप। महाराज सच्चे पातशाह सानू गुरबाणी में समझाउंदे आ कि जदों ये मन जाग पैंदा है फिर उस मालक दे चरणां च बेनती जोड़ी करदा है कि महाराज सच्चे पातशाह मैं दीन आ, तुहाडा बच्चा, मेरा जिहड़ा दर्द है वह दूर करो। साडे मन नूं जो दर्द लग्या है वह जन्म मरण दा, विछोड़े दा, दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जमदूत। इस करके जदों फिर मन उहदे चरणां च बेनती करता है भी तरन तारन हर निद दुख न सके व्याप, महाराज इस भव सागर तो तारन वाला तेरा नाम है, जदों तू नाम दे दिना बख्शिश कर दिना, नाम नाल साडी लिव जुड़ जाती है, फिर जिहड़ा दुख है खत्म हो जाता है, फिर सानू तंग नहीं करता, ये जम जड़े ने खुआर नहीं करते। इस करके फिर महाराज सानू समझा रहे ने भी साधु संग भजो गोपाल, आन संजम किश न सूझे, ये जतन काट कल काल रहाओ। महाराज कहिंदे भी
ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਭਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਾਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਭਾਵ ਜਲ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਜਾਗ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਾਗੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਸਿਮਰਨ। ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਜੇ ਬੇੜਾ ਉਹਦਾ ਮਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰ ਮਿਲ ਭਾਵ ਜਲ ਲੰਘੀਏ, ਦਰਗਾਹ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁੱਖ ਉਜਲੇ, ਧੁਨ ਉਪਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਹੈ,
उसने सानू वार वार दृढ़ कराई जाना होंगे भी जिते हम साडा मन वस रहा है श्लोक के भाव के शरीर के त्रिलोकी के देश साडा नहीं असी इतने भरम के पै के इन आपदा समझ लिया है। जो असं आपदा समझते फिर अगे परिवार को नगर को संसार को आपदा समझ लें फिर तेर मेर शुरू हो जाती। इस करके इन पंजां की ड्यूटी है सानू माया दे नाल जोड़ना, दुविधा खड़ी करनी, धड़े बनाने। महाराज कहिंदे कलयुग में धड़े पंचोर झगड़ाए, काम क्रोध लोह मोह अपमान वधाए। जिसनू कृपा करे ते सत्संग मिलाए, हमरा हर धड़ा जिन ए धड़े सब गवाए। जो साडा मालक दे नाल पैर पै जांदा है असी नू आपदा धड़ा बना लैंदे, पार्टी बना लैंदे, फिर वो मन गुरु प्यारे जिथे बहिंदा उठदा उस मालक दे गुण गाउंदा। लेकिन ये पंजे भर विच पा के अज देखो संसार दे विच दुविधा खड़ी कीती, धार्मिक धड़े बनाते, समाजिक धड़े बनाते, की कुछ बनाता। जदों कि असी एक प्यो दे बच्चे, एक पिता एक सके हम बारक। जेकर साडा मन जाग पे उन्हू सोझी आ जाए भी इतने मेरा कुछ नहीं है, मैं इतों का रहने वाला ही नहीं, तो इस परमात्मा का खेल है, उन्हें खेल चलाया तो वही चला रहा है, फिर गुरु प्यारे बड़ा जीवन सुखी हो जाता है। इस करके महाराज सानू समझाते भी जिवें जिवें असीं नाम दे विच समावांगे तो साड़ी दिव्य दृष्टि होती जाएगी, मन जागता जाएगा, फिर सानू सारयां दे अंदर परमात्मा दिसना शुरू होगा। महाराज समझाते कहते उरतारे अंतर जो नाम, सर्व में पेखे भगवान, निमक निमक ठाकर नमस्कारे, नानक उ अपरस सगल नस्तारे। इस करके जिन्ना चिर नाम नहीं वसदा मन ने जागना नहीं, तो जागेगा फिर सारे अंदर दिसेगा मालक, फिर तुसी दूसरे की मदद उतर आओगे। जिवें हुण तुसी यह अपना गुरद्वारा गुरु तेग बहादुर सिंह द्वार वालों जीवन की मदद करते हो, लोड़वंदां दी मकान बना के दिंदे हो, होर किसी की बच्ची का विआह च मदद करते हो, वो गुरु घर के धन वालों कर रहे हो। जिस तरह कल असी गए उत्थे चंग पिंड, उत्थे एक रुलदू सिंह सी उहदी बेटी का विआह सी, चलो कुछ समान अपनी सोसायटी वालों दिता गया, गुरु घर वालों दिता गया, वो जाके देखिया फिर पता लग्या भी गरीबी इहनू कहिंदे ने। जिन्ना चिर जीव अखी नहीं देखदा उन्ना चिर उहनू पता नहीं लगदा। देखो सरकारां किन्ना रौला पा रही ने, मैं कोठे देते जी, असी आह देता, असी वह देता, हुण मेरा ख्याल कच्चा कोठा वेखना मुश्किल है। लेकिन असी कल जाके देखिया उत्थे पार्टीबाजी के कारण वह गरीब का कोठा नहीं पिया, बहुत माड़े हालात, उपरों बेटी का विआह। इस करके गुरु प्यारे हो जिथे दया होंगी उत्थे वो आप आ जाता, तो सानू गुरु ने बचन का तरीका दसा कि तुसी आप दे दिना लो गल गुरु ते छड़ो, तुसी गुरु की उपमा कराओगे तो गुरु फिर तुहानू उस मालक तो नाम दवाएगा। इस करके उन्हें बड़ा शुक्रिया किया नौवें पातशाह का भी धन है महाराज तू वाकई अगली चादर है, अज साडी पत्त टक रहा। तो उन्होंने आप बेनती की कोई नहीं आने वाला समय के जे सरकार ने कोठा ना दिता तो नवें पातशाह तो फिर सच्ची सरकार हैगा ही है ना, ये पा के देगा। इस करके गुरु प्यारे हो गुर जिहा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा से। गुरु जिहा देवता दानी नहीं है कोई,
गुरु दे बराबर नहीं है कोई, इस करके सारे काल ने बनने ने मार के सब जग वादो काल को बिन गुर काल अफार। एक गुरु ही है जिसे ते उदा जोर नहीं चलिया, ते जेड़ा गुरु रूप मन होया करदा शब्द समा जांदा है उदा रूप हो जांदा है, वो बंधनों तो मुक्त हो जांदा है, धंधे तो मुक्त हो जांदा है, वो फिर गुरु प्यारे दी कृपा दे नाल ऐसे कार्जा नूं लेके अगे चलदा है जिस तरह तुसी चल रहे हो, क्योंकि उन्हें संसार का तो कोई मकसद नहीं, उन्हें दुनिया में भी दृढ़ करवाना भी शरीर नहीं जो साडा ते इत्थे होर की है साडा, ते रोटी कपड़ा मकान मेन सहूलत है। इस करके गुरु प्यारे ये कार्ज जिवें जिवें मन जागणगे सारे फिर गुरु घर वल आने शुरू हो जाएंगे। बहुत कृपा हो रही महाराज की सच्चे पातशाह दी नगर दे विच कमेटियां बन गई ने, संबंध इकट्ठा करते हैं तो शुरू हो गए ने काम, इस तरह एक लहर बन जाती। सो हुण महाराज सच्चे पातशाह सानूं समझाउंदे ने आदि अंत दयाल पूरन तिस बिना नहीं कोई, जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोए। महाराज कहिंदे उस परमात्मा तो बिना होर कोई है ही नहीं जिहड़ा सानू सुख दे सके साडे ते दया कर सके। इस करके महाराज समझाउंदे है सब सुखदाता राम है, दूसर ना है कोई। इस करके महाराज कहिंदे है भी होर किसी की आस ना रखो, मानक की टेक बिरथी सब जान, देवन को एको भगवान, जिसका दिया रहे अगाए, बहुर न तृष्णा लागे आए। हुण जिहड़ा मनमुख है जां मनुख है उह संसार दा धन जो उहदे कोल हैगा ते किसे दे सकदा, जे देगा मुड़ के वापस मंगेगा, ते ना देवांगे ते बेइज्जती करेगा। हुण जिहड़ा गुरु है इहदे कोले सारी ही कृपा, कुछ ले लो नौ निधि अठारह सिद्धि दे चरणां च हाजर बैठी, लोक दा ले लो परलोक दा ले लो, नाम दा भी खजाना इहदे कोल है, वो किसी बंदे कोल ते आए नहीं। इस करके गुरु प्यारे हो जिवें जिवें असीं सेवा करांगे, खेल नूं समझांगे, संगत करांगे, महाराज ने नहीं कहा भी घरे बह के जप लो, कहते साधु संग भजो गोपाल आन संजम किश ना सूझे ए जतन काट कल का, क्योंकि बेड़ा साधु तो बिना चलता ही नहीं, बैठे रहो किनारे ते पाई जाओ रौला, बेड़े ने उन्हें चर जो पायलट है नहीं तो किवें चलेगा जहाज। ता करके महाराज कहिंदे ने भी प्रभु का सिमरन साध के संग, सरबन दान नानक हर रंग। ता करके बेनती हुण जी अपना प्रोग्राम जिहड़ा 10 तरीक तो शुरू है, 10 तरीक शाम तो 11 12 13 तक चलेगा सुबह तक, तो देखो महाराज की कृपा दे नाल कितना सिमरन भजन बंदगी हो जाएगी। ता करके मैं बेनती करदा भी वध तो वध आओ सारे जने, जो नाम जपया जाता है तो संसार के उपर शांति आती है, जो ईरखा निंदा चुगली दुबदा होंगी है उदो ये सुन का सतुलन विगड़ जाता है, उदो फिर ऐसा समा आ चार सफेरे घाटा ही घाटा आता है। इस करके बेनती है कि हुण इस काल ने बड़ा खेल खिलाया है, धड़ेबंदी खड़ी कर दिती है, आ देखो इलैक्शन का समय, बंदा जिहड़ी पार्टी ने जुड़िया नूं कहिंदा चंगी है दूजी माड़ी, आ दुबदा खड़ी हो रही है, थां थां ते भंडी प्रचार हो रहा है, ये जिहड़ी दुबदा है बौरी हुंदी है। महाराज कहिंदे दुबदा बौरी मन बराया, झूठे लालच जन्म गवाया, जन्म व्यर्थ चला जाता है, तो जदों ये सुन दा सतुलन विगड़ जाए फिर कुदरती आफतां आउणियां शुरू हो जांदियां ने, मन भी अपसैट हो जाता है, तन भी अपसैट हो जाता है,
इस करके आप जी के चरणों च बेनती है जी, वो सिमरन करो, संगत चाहो सबक लेके जाओ, घरे भी करो। लेकिन जो असी मिला दे राही चलते हैं फिर पास होने की आस हो जाती, पार होने की आस हो जाती। इस करके बेनती है भी श्वास के नाल साडा जीवन है जी, श्वास के नाल साडा जीवन है, तो श्वास देने वाला परमात्मा है। इस करके उत्ते भरोसा रखो, जिहड़ा श्वास दे रहा देखो किड्डा कीमती श्वास है, ना मां प्यो दे सकता है, ना राजा दे सकता देश का, सारे देश में वेच दो तो भी एक श्वास नहीं आता। इस करके रतन कहिंदे ने, महाराज कहिंदे ने जिहड़ा इन्ने कीमती रतन दे के तुहानू जिंदा रख रहा है, सब कुछ ही वह देने वाला है। सिर्फ भरोसे की लोड़ है, तो संगत की लोड़ है, ज्ञान लैन की लोड़ है, तो सामने तो है दूर तो है नहीं, तो वेखदा है भी आके तो मेरे मूहरे अरदास करना, तो मुड़ के फिर किसी को चंगा किसी को माड़ा कह लग पा, तो इन समझ नहीं आती भी मैं इन समझा भी इस संसार तुम देखते हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब वंदे, एक नूर ते सब जग बजया कौन भले को मंदे। इस करके गुरु प्यारे महाराज ने भिख बाणी की जे लोगों भगती शुरू ना की थी, तो आने वाले समय से परलो आ जानी, एटम शक्ति अस बना के बैठे उसका इस्तेमाल हो जाना, क्योंकि बंदे कोले कोई भी शक्ति आ जाए तो वह दिमाग खराब हो जाता, सोच भी लवे ना शक्ति बारे तो दिमाग खराब हो जाता। हाँ तुम देख लो पता नहीं किसी सरकार आनी, इन्हों पंजा सारे फूस कर दी, जे अपनी आ गई ना तो आप कर देना। देखो वो वेखो खसमों बेनती तो करो, फिर जो उन्होंने श्वास ही मुक गए की करोगे, रोज देखो जाके मेडिकल को डोगर बस्ती सिवे बलते पे ने कि दौड़ च पै गए जी। उस परमात्मा नूं याद करो जिहड़ा देह छड्डन तों बाद जिथे असीं जाणा है ना, उत्थे भी साडी मदद करे। इस करके महाराज सानूं वार वार समझाउंदे ने, जाग लिओ रे मना जाग लिओ, कहां गाफल सोया, जो तन उपजया संघ ही सो भी संगण हुआ। की लैणा जे इत्थे मल मार के वड्डे वड्डे सिकंदर वर्गे तुर गए। दस दे भी सिकंदर अंत समय ज्ञान हो गया भी मैं तो इस धन की दौड़ च लगा रहा, राज कायम करन च लगा रहा, मार धाड़ करता रहा, पता नहीं किन्ने जीवन खपाता है, लेकिन खजाने का तो भेद ही नहीं लग्या भी अंदर से। अज पता लग्या भी जिहड़ा धन परमात्मा दे रहा सानू श्वास, इन्हों की इन्नी कीमत है, सारा राज भाग देने के बावजूद भी श्वास नहीं मिल रहे, इन्ना कीमती धन भेद नहीं लगा, व्यर्थ चला गया, अज हम समा आ गया। तो चलो कहिंदे मेरा समा तो आ गया, क्योंकि उन्हें ना सारे धार्मिक आगू से जोड़े संत साधु उस वेले दे वो सारे इकट्ठे किए हुए से भी चलो कोई हवन करो, कोई कुछ करो, अरदास बेनती जोदड़ी करो, कोई महाराज अगे भी किसी तरीके मेरा यह धनवाद जे उन्होंने, फिर उन्होंने विचार होंगी जिमें जिमें विचार सुनता उस हिसाब के हौली हौली उन्होंने ज्ञान आता गया भी ये नहीं जी कोई वधा सकता, यह तो एक परमात्मा ही जिहड़ा वधा सकता है। महाराज की कहिंदे, प्रभ भाव है बिन सास ते राखे, वह रख सकता है, हाँ ये वधा नहीं कोई सकता, घट जरूर सकता है। महाराज कहिंदे भी गिण कर ले सब दिवस सास मैं बढ़न घटन तिल साथ, घट वध नहीं सकते, एक तरीका है घटाने का। महाराज कहिंदे भी तुसीं संतां दी साधुआं दी निंदा शुरू कर लो तो तुहाडी उम्र घट जाएगी, संत के दुखन आरजा घटे, आरजा घट जाती। इस करके गुरु प्यारे फिर उन्हें कहा भी चलो हुण समा नहीं रह गया, तो मैनूं लगता है भी बीमारी दे हिसाब नाल मौत मेरी नेड़े, सिकंदर ने कहा तो मेरे हाथ से पैर बाहर रखा जी, लेकिन खाली हाथी चलिया जिहड़े इन्नी मार धाड़ की, इहदे नाल कुछ नहीं गया।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦੌੜ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਗਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਦੀਜੇ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ, ਚੇਹ ਤੁਦ ਭਾਵ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾਮ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਨਾਮ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੀਜੇ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ, ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਿਮਕ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਇੱਕਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦਿਓਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਤੇ ਲਾਹਾ ਕੀ ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾ, ਇਹ ਲਾਹਾ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਲਾਹ ਕੱਟਣਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਲੰਘਣਗੇ ਪਾਪ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਸਿਆਣੇ ਬਣਾ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਮਾਲ ਰੂਪ ਜਾਤ ਚੋਗਣ ਇਹ ਪੰਜੇ ਠੱਗ, ਇੰਨੀ ਠੱਗੀ ਜਗ ਠੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖੀ ਲਾਜ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ, ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੀ ਕੁਛ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਰੇਤਾ ਖਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਭਜਰੀ ਖਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ, ਕੋਲ ਰਾਜ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਰੱਖ ਟੈਕਸ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦਿੰਦੇ, ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੁਰਸੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਬੱਤੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਗੱਡੀ 'ਤੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਆਪਦਾ, ਰਾਜ ਮਾਲ ਰੂਪ ਜਾਤ ਜੋਬਨ ਇਹ ਪੰਜੇ ਠੱਗ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਫਤ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਆਫਤ ਆਈ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈ, ਲੱਗਾ ਕਿਤਕ ਫੱਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿ। ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਠਾ ਪਾਤਾ, ਛਪਰੀ ਬਣਾ ਤੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਗੁਆਂਢ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੁੱਗਣੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਠੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਪਵਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਹਦੇ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਪਿਓ ਏ ਪਿਓ ਕਦੇ ਲਾਂਭਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ,
सोई सोई देवे। महाराज कहते जो मंगोगे वह मिलेगा, तो मेरे वर्गे का की है, कह के मुकर जाता है। हाँ जी, कह के मुकर जाता है। कल एक बेली मैसेज करी जाता है, कहते बाबा जी तुम क्या भी असं कीर्तन सिखावे तो किमें सलाह बदलता ही नहीं। मैं क्या नहीं यार, सलाह तो हैगी है, टाइम लग सकता है, सलाह हैगी। आप और की सिखा पाई सिखा, और जो अपन महाराज लाया इसे कितने उसकी कृपा है इस पास लाया, इस करके बंदा कई बार बदल जाता है जी। क्योंकि मुड़ के की चलना कम लारा, कोई नहीं करते 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 उधर वट निकल जाते हैं। उस तो पहले लगू कह चरणा हाथ बनने तो वेखो महाराज की कृपा। सारी सृष्टि को पालन वाला दाता है जी, 84 लाख जू नू चार खाणिया पालता है। इस करके महाराज कहते भी एको ही दाता है, बाकी सब मंगते ने। वो तो बिना कोई दाता नहीं है, सब ये दर से मंगण आते हैं। तो जो आप ही मंगता है जी, वेखो मत नहीं मारी गई, तुम तो आस रखी बैठे हो। जो मान लो मैं ही मंगता है तो तुम मेरे तो आस रख लो, तो मतलब थोड़ा दिमाग नहीं कम करता। की करता जी बोलो, नहीं करता ना। तो मेरा सार हो गया, तो फिर हम तो चले जो मेडिकल के पास या डॉगर वास्ते, बस इन्ना ही काम है ना, होर तो कोई है नहीं हाल, दो ही ने। इस करके गुरु प्यारे बेनती है, आ देखो अपनी पार्टी का एजेंडा, प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध नो नित, देखो की लोड़ है और किसी की मिन्नता कटन की, एदियां कटो। रब के सिमरन रिद सिद्ध नो नित, फिर वेखो कहते प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तप वक्त। फिर कहते पुत वेख सारे देश छड के जाना ना, अज ने सवेरे जाना ही है। ते प्रभ के सिमरन गर्भ ना वसे, देख ये करामात ही गुरु के सिमरन की। कर प्रभ का सिमरन साध के संग सर्ब निदान, नानक हर कौन बोल रहा है दसो। पंजवे पातशाह गुरबाणी गुरु सुखमनी साहब की बाणी च कह रहे हैं गल ठीक। हुण तुसीं देख लो, जे पंजवे पातशाह ते भरोसा नहीं आउंदा तां फिर आपां करिए। देखो वह कहिंदे भी असीं बड़े गुरु वाले, गुरु धारण कीता की धारण कीता, हाँ जी दाड़ी तां बोकदे भी आउंदी है, उहदे भी आउंदी है। ते महाराज कहिंदे गरीबा उपर खिंचे दाड़ी, सो दाड़ी पार ब्रह्म अगन च साड़ी, ऐसी सजा मिलेगी। इस करके महाराज कहिंदे ने भी गुरमुख हृदय गरीबी आवै। सो गुरमुख प्यारे बेनती आप जी के चरणों च, क्योंकि जिन्ना चिर सानू नाम नहीं ना मिलता उन्ना चिर मन ने नहीं टिकना। चाहे कुछ कर लो, चाहे सारी सृष्टि का राज ले लो, चाहे तुहाडी पार्टी का राज आ भी जावे, फिर की हो जाएगा, की हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। होना वो जो उन्हें मंजूर है। इस करके आप इस पार्टी का जिहड़ा राज सदा कायम है, आप उस पार्टी के बंदे क्यों छड़िए आपकी पार्टी, समझ गए। महाराज कहते ने भी तुम सिमरन करोगे, प्रभ सिमरत किस बिगर न लागे। लाओ जी साडे मन च इच्छा ना, असीं आपदे काम करावांगे, ते साडा काम तो है ही कोई नहीं, साडा देश नहीं, असीं की लैणा किहड़े काम कराउणे इत्थों। महाराज कहते भी तुम सिमरन कर लो, तुहाडे कामां च बिगड़ नहीं लगता। प्रभ सिमरत किस बिगड़ न लागे, जे तो काम कराउण जाओगे उहदे अंदर भी तो बैठा है। महाराज कहते सब घट मेरे हो सभना, अंदर सारे दे अंदर बैठा है। तो जे तुसी उन्हें जानते हो तो कह रहे कर दे भी, यदा कोई गल कर दिंदा है, नहीं तो कहता ना नहीं मैं ना मानू रे, नहीं मनता फिर। इस करके गुरु प्यारे सुन लेने फायदे अपनी पार्टी दे, ये पार्टी गांह तक जाती है अगले देश च भी। गुरु ग्रंथ साहब जी ये अपनी पार्टी ने, खालसा पंथ अपनी पार्टी है। इस करके महाराज कहते ने पूरन जोत जगे घट में तब खालस ताहे निखालस जाने। ये सारे अपने पिता के बच्चे ने, लेकिन खेल दे विच की हो गया, उन्हें रूप बदल लिया, बस उन्होंने अंदर बैठे ने रूप वटा लिया है। तो आप उन्होंने बेनती करनी भी ठीक है जी, तुम कहते वोटा पावे, पर एक बेनती है साड़ी, गुरु ये कहता है
जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा सो सुख राज ना लईए, कहिंदे उह सुख राज नहीं हैगा। राज दुबधा आ जाणी है जिन्हें वोट पाई उहदी सपोर्ट, दूजे नूं इगनोर करोगे तो उहदे अंदर भी रब बैठा है। जोर को खाओगे आपदा तो मर कहिंदे कबीर जोर की आसो जुल्म है ले हिसाब खदाए, फिर वो की करता है, फिर सानू रिपोर्ट चाहता भी आ हो गया है। पर जो लुधियाने PGI उधर भी गांव कोई है तो उधर ही भजो, फिर आ कुछ होंगे, फिर वो डेग दिंदा है, कुछ भी कर सकता है, डिग्गियां डेस्क भी हिल सकती है, चूल्हा भी टुट सकता है, मणका भी टुट सकता है, फिर मंजे ते पए दे अंदर खुराक पाउंदे ने, आ कुछ होंदा की लेना जे राज तो ये होना ही होना है। तुसी मान लो मैं ना करांगा तो मैनू तुसी करा दोगे जी, इन्हां नहीं अपनी मदद कीती, ना ना आपां नहीं कोठा पैंदा जिवें कल देखिया जा गया। आपां देखो गरीब बंदा उहदी बस इस लैके बह जाएगी, इन्ना गरीब चारा, ठीक है, ते कच्चा कोठा। इस करके क्यों होया, देखो जिन्हें कीता है उन्होंने भरना पैना समा आने ते, फिर की करोगे जो समा आपका बीजा उग गया है ना, जो बीजा है किकर बीजोगे तो कंडे बजनगे, ये तो कोई शंका ही नहीं। तो बाबा फरीद जी कहते भी लोड़े दाख बजौरिया ते किकर बीजे, जा किकर बीज रहे ने उन सारे पूरा वाह वाह के बीज रहे ने, दूरी तक असी आ किता असी वह की किता यार, जेड़ा करना सी उहदा किता ही नहीं, जो करना सी वो करया ही नहीं। महाराज की कहिंदे ने भी थिर कर बैसो, हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैज राखी करतारे। उन्हें रखे वो रखेगा पैज अपनी, इस करके आप हुण जांदे नहीं उहदे कोल, उहदे घरे नहीं जांदे। निज घर महल पाओ सुख सहजे, और न होए गो फेरा, देख पुत आना ही नहीं पैना। तुसी वेखो जी एक बंदा भुख लगी, वह गुरु घर गया तो लंगर छकया तो भुख मिट गई ना, ठीक तन दी मिट गई। हुण अगे मन दी उत्थे नाम जपाया गया, कथा कथ कहानी सुनी, तो जिवें जे मनी सुनी सुख मिले मन नू, कथ कथा सुन सुख बनती। इस करके गुरु तो मन दी भी खुराक मिलती है, तो तन दी भी मिलती है। जिवें जिवें संगत करांगे सुखी होंदे जावांगे। फिर जीव कहिंदा जी आपां क्यों पंगा लेना है, जो तो अपना देश ही नहीं घर ही बगाना है, जो आप किसी के घर जाके कही भी रसोई ढाओ तो इधर कढ़ो, उन्हें कहना यार तू ही निकल, चाह भी नहीं मिलनी, ठीक है आदि जबान का खट्टा खावे ना। इस करके गुरु प्यारे हो जो करते ठीक है जी, पर बेनती गुरु के सिखा का यह फर्ज है उन्होंने दसना ले भाई यू आर रोंग। अपने सारे MLA बेली ने जेडे तो खड़े ने, आप सारे कहने जो मिलते हैं भाई साहब ये गुड नहीं है, इस वास्ते नहीं तुम आए, पर कहते की करिए जी हम दौड़ च पै गए, अगो जवाब देंगे ने की करिए इस दौड़ च पै गए सेवा के मकसद न पे। मैं क्या भी सेवा तुम करनी चाहते जी, पर थोनू सेवा कोई किमें कर देगा, हर पिंड पार्टी बाजी काल ने तरक्की की थी। तुसी करके देखिया जी, उन्हें कहना भी उदों तो साडे नाल वादा किया सी भी तू वोटा पा वट कढ देंगे, अज अज दस फिर की करोगे। इस करके गुरु प्यारे बेनती आ किसी की ना बद सीस लै लियो, किसी की भी भुल के मुड़ के जो समा आ ना उदों नहीं कोई पुछता, उदों असीं कहने भी इसे किसी का माड़ा भी नहीं किया कदे, आ क्यों हो गया। महाराज कहते जेहा बीजे सो लुणे करमा संदड़ा खेत, जो हम जो अपने लक चो पीड़ निकलती है तो कोई कार नहीं निकलती, अवे निकलती एक दिन निकलती दूजे दिन निकलती, कार नहीं कोई। इस करके भुल के भी किसी के बर खिलाफ तो सोचने नहीं करना, तो बड़ी दूर की गल है, नहीं तो यह तन भी रोगी हो जाएगा,
तो मन भी रोगी हो जाएगा। पहला मन होएगा फिर तन होएगा। पहला रोग मन च आता है तो मन चो तन दे विच आता। ता करके महाराज कहिंदे आ संसार रोगी नाम दारू। ठीक है जी। तो नाम देन वाला दारू देन वाला वैद वो सहज बैठा है। जो डॉक्टर की मशहूरी हो जाती तो उत्ते भजे जाते लोग भी फलानी थान से जिम्मे आप जगतपुर भाई दे हाँ जी भी बड़ा वैद मर गया बेचारा तो आप जानू अड़ गए। इस तरह महाराज कहें भी वह वैद बैठा है सहज वो नहीं जो मरता ना वो जमदा तो ना वो मरदा। मेरा वैद गुरु को बिंदा हर हर नाम औखद मुख देवे घट जमकी हुंदा। वो घटना है तो उत्थे जाना पैना है तो उत्थे जाने तो पहला अपज जने ने कदे चोर बनते ने कदे दूत बनते ने कदे किसान बनते ने कदे ठग जाके विखा मैं वैद को किए जाएगा। हाँ जी बस अज 20 तरीक तो बाद वेले जी आप वाह बी वाह जी आप पंड कट्ठी करी जाना रोज बेचारा दी ये किवें खुलेगी किसी गल ना ही खुलेगी। इस करके गुरु प्यारे आप जी के चरणों बेनती है। महाराज की कहिंदे ने जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोए उस मालक नू याद कर यार देख तू रंग फिर वेद सिमरत कथे शास्त भगत करे विचार मुक्त पाइए साध संगत बिंस जाए भंडार। सुनो महाराज की कहिंदे ने कहते वेद सिमरत कथे शास्त भगत करे विचार। महाराज कहते भी घरे ही रख लिया वेद शास्त्र गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कर लिया पर साध संग नहीं करता। की कहते वेद सिमरत कथे शास्त भगत करे विचार मुक्त पाइए साध संगत बिंस जाए अंधार। कहते पुत ऐनक फिर ही लैन गया जे साधु तो संगत करेगा। चरण कमल आधार जनका रास पूंजी एक तान मान दमान साचा नानक की प्रभ टेक। महाराज कहते जो नौकर होंगे ना जन वह एक ही टेक नाम की वो रास पूंजी होती उत्थे खुराक मिलती उन्होंने सारा कुछ धन भी हो। इस करके महाराज समझाते भी तान मान दमान साचा नानक की प्रभ टेक। महाराज मेरी टेक तो तू ही है तेरे तो बिना कोई आसरा नहीं। तेरे तो बिना जो आसरा तक लिया तो खसम छोड़ दूजे लागे डूबे से वन जा रहा। दूसरा कौन है काल ये माया शरीर उहदे नाल जुड़ गए तो फस गए। इस करके महाराज कहिंदे है ये मन मेरिया तू सदा सच संभाले एक टंब तू जे देखदा चले ना ही तेरे नाल। सुनो फिर विचारना चाहिए ना कटंब परिवार को कहिंदे ने परिवार नहीं चलन वाला नाल तो दूजा अलका कि तो चलेगा। एक टंब तू जे देखदा चले ना ही तेरे नाले साध तेरे चले ना ही तिस नाल क्यों चित लाइए। देखो कहिंदे क्यों चित लाउंदे ऐसा कम मूले न कीजे जित अंत पछताइए। आपदे आप नू चंगा ते किसे नू माड़ा भुल के भी ना कहो। महाराज कहिंदे ए जा कम ना कर लिया जी त्रै गुणा च ना जावड़िया जी ते फस गए। फिर ते महाराज कहिंदे फिर की करिए जी कहिंदे सतगुर का उपदेश सुन तू आ सुन। कहिंदे पहला सतगुर का उपदेश बाणी राही सुन फिर अंदरों नाम नू सुन उपदेश सतगुर का नाद नू सुन अमृत पी ते देख फिर सब वडेइयां हर नाम विच हर गुरमुख ते आईए। महाराज कहिंदे पुत एक नहीं सारियां वडेइयां लोक ते परलोक दियां ते उहनू याद कर तां करके कहिंदे ने भी आनंद सुनो वड भागीओ सगल मनोरथ पूरे सारे मनोरथ पूरे ऐसा है नाम। तो महाराज कहिंदे भी ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोई। तो महाराज कहिंदे भी बड़ी कृपा होए ना
फिर कितने साधु मिलना है, फिर तो बेटे जन साधु। पूरे गुर समझाया, आन सगल बिद काम न आवे, हर हर नाम त्याया। देखो महाराज कहते साधु ने समझा के सानू बेचारा तो उपर ठालिया, नाम नाल जोड़ दिता, सतगुरु के अगे बेनती कर करके पता लग गया भी तो बिना कोई बिद काम ही नहीं आनी। इस नाम ने ही साड़ी मदद करनी, इस नाम ने उत्थे खड़ा होना। जय प्यान दूत जम दले ते केवल नाम संग तेरे चले। केवल का मतलब होंदा ओनली, होर नहीं कोई। इस करके गुरु प्यारे समा हो गया, इन्हें विचार करदे कोई ऐसा शब्द बोलिया गया हो संगत ते गुरु बख्शन जोग ने, थोड़ा जहा ध्यान रखने की लोड़ है। भी देखो दसवें पातशाह पुत वार के, चार पुत वार ते यार, एक वार के विखावे कोई माता पिता वारता। ते फिर कहिंदे ने भी आ गया भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी वार वार कही जांदे ने, फिर तो भेटे जन साधु। पूरे गुर समझाया, आन सगल बिद काम न आवे, हर हर नाम त्याया। इस करके 10 तरीक नूं आओ झोले च लीड़े ते आ जाओ इत्थे फरीदकोट गुरद्वारा गुरु तेग बहादुर सिमर द्वार। ठीक है जी, वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह।